बोलिए क्या हो रहा है आपका, अभी का जो प्रॉब्लम है वो बोलिए। अभी तो मुझे खांसी का प्रॉब्लम है, खांसी बहुत होता है, जब जब सुरसुरी उठता है तब तक खांसते हैं, रात के सो नहीं पाते हैं। अच्छा, खांसी के चलते। थोड़ा जोर से बोलिएगा, कितना पुराना है ये खांसी जो हो रहा है, ये कितना पुराना है? बोल बताए हैं 10-15 साल हो गया है। 10 साल या 15 साल, ठीक से बताइए। 15 साल हो जाएगा। 15 साल से क्या कर रहे हैं आप, कैसे खांसी को ठीक कैसे करते हैं? जब खांसी उठता है, खांसी उठता है दवा मंगाते हैं, खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। एलोपैथिक दवाई? हाँ, सिरप पीते हैं। अच्छा। उसका साथ कैप्सूल देता है, खाने से ठीक रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर होता है। अच्छा, आप कुछ ठंडा खाने से हमको जल्दी खांसी होती है। अच्छा, वो सब हम पूछ रहे हैं, एक मिनट रुकिए दोस्तों। एक क्रॉनिक कफ का केस है, इसके साथ इनका रियूमेटिज्म मतलब घुटने में दर्द है। हाँ। घुटने का दर्द का दवाई चल रहा है, फाइटलक का दिए है, फाइटलक से बहुत आराम है। घुटने का दर्द कितना पुराना है आपका? तो बोले 15 साल। 15 साल से घुटने का दर्द भी 15 साल पुराना है। तो घुटने का दर्द फाइटलक का लेने के बाद अभी ठीक है। कफ का बारे में पहले नहीं बताए थे, मतलब बैठिए, कफ के बारे में पहले नहीं बताए थे, अभी बता रहा है कि कफ भी है इसके साथ, मतलब रियूमेटिज्म भी है उसके साथ, कफ भी है, 15 साल पुराना, दोनों ही है ये। तो अभी फिलहाल कॉस्टिकम का सिम्टम्स मिल रहा है मुझे, देखिए क्या क्या सिम्टम्स कफ में मिल रहा है। अच्छा, जब खांसी होता है आपका, आराम किस चीज़ से मिलता है? पानी पीने से। मान लीजिए खांसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, उस टाइम अगर आप ठंडा पानी पी लीजिए तो आराम हो जाएगा। बहुत जल्दी आराम होता है पानी पीने से। कोई भी पानी पीने से आराम होता है? हाँ, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी से आराम मिलता है? ये देखिए तो आप, ठंडा पानी पीने के बाद ही तुरंत आराम हो जाता है? तुरंत। अच्छा अच्छा, खांसने के टाइम में क्या होता है? और बहुत माथा चक्कर होता है, चक्कर हो जाता है, खास पेशाब तरह लगता है। अच्छा, खांसी जब होता है उस खांसते टाइम में पेशाब हो जाता है बोले तो, वो क्या बोलिए थोड़ा, जब खांस रहे हैं उस टाइम पेशाब दो एक बूंद हो जाता है, ऐसा होता होता है, ये कितना दिन से हो रहा है? यही तो बोल रहा है कुछ दिन से। अच्छा, खांसी के टाइम में पेशाब हो जा रहा है, खांसी ठंडा पानी पीने से आराम मिल रहा है, ये दोनों जो सिम्टम है कॉस्टिकम को स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए कॉस्टिकम 6 पोटेंसी देंगे। और भी दो एक सिम्टम है कॉस्टिकम का, कन्फर्म करने के लिए हम पूछ लेते हैं। अच्छा, आपका बहुत ज़्यादा दया है मन में, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दीजिए, थोड़ा कैसे? जिस तरह के कोई मैं मुझे पास कोई दुख सुनाएगा कि मुझे ये काम जरूरी है, काम मुझे संभाल दो, पैसा की मदद करो, हम कर देते हैं। कोई भी आपको कोई भी आपको आपको माने बोलेगा कि मुझे ये जरूरत है तो आप दे देंगे? हाँ। आपके पास नहीं भी होगा तो घर में जाके करके सबसे मांग के देंगे, माने घर के घर में आप झगड़ा करके वो चीज़ देंगे बाहर वाले को? हाँ, देंगे। इतना माने खराब लगता है? हाँ, इतना दूसरे का दुख नहीं देख सकते आप? नहीं। अच्छा, कुत्ता अगर कुत्ता बिल्ली कोई नहीं कुछ खाए पा रहा, माने खा पा रहा है, माने बोलते खाना नहीं है तो दे दीजिएगा उस खाना, दे दीजिए। अच्छा अच्छा, इंटेंस सिंपैथेटिक, देखिए ये पेशेंट जो है इंटेंस सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा दया माया है मन में। अच्छा, आपके मन में नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं जब कब कोई घर में नहीं आता है, थोड़ा देर हो जाता है? हाँ, मुझे ख्याल आता है कैसा कैसा कि कहीं कुछ फंस गया, क्या हो गया, प्रॉब्लम में फंसा हुआ, अभी ठीक नहीं है, खराब कुछ हो सकता है, अब नहीं चाहते फिर भी ऐसा मन में आता है? अच्छा, सो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक केस है कॉस्टिकम का, जो एकदम स्ट्रांगली कॉस्टिकम को इंडिकेट कर रहा है, केस है क्रॉनिक कफ का, उसके साथ ये कफ ठंडा पानी पीने से आराम मिल रहा है, उसके साथ इनवॉलेंट्री यूरिनेशन है, खांसी करने के टाइम में पेशाब हो जाता है, देखिए लिखे हैं।